जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तजिया के साथ प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। आज हम बड़ी गर्मा गर्म खबरें लेकर आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, और सियासी हालात जो है इसके साथ साथ, अगर मैं ये कहूँ कि सियासी हालात का जो असरात हैं वो मुल्क की इकॉनमी पर बहुत बुरी तरह पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई किस अंदाज़ के साथ बढ़ती चली जा रही है, और गरीब के लिए एक वक्त की रोटी खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर मैं बात करूं इस हवाले से सियासी पार्टियों की, तो मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी को इस बात का कतई तौर पर कोई एहसास नहीं कि कोई गरीब आदमी जो है वो एक वक्त की रोटी मज़दूर कैसे खाएगा, और गुरबा के बच्चे जो हैं वो स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें कैसे अदा की जाएंगी, बिजली के बिल कैसे अदा किए जाएंगे, गैस के बिल कैसे अदा किए जाएंगे, और दवाइयां जो हैं बीमारों के लिए दवाइयां कहां से आएंगी। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम डिस्कशन शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है मेरा प्रोग्राम कई घंटों पर मोहित हो जाएगा। लेकिन मुझे हर प्रोग्राम जो है वो बड़ा एहतियात के साथ करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर हम सहाफ़ी लोग सच्चाई बोलना शुरू कर दें तो हमारे साथ वही कुछ होता है जो अरशद शरीफ समेत दूसरे माजी के अंदर शहीद किए जाने वाले सहाफ़ियों के नामों की एक लिस्ट आपको मिलेगी। तो इसलिए मुझे प्रोग्राम जो है वो बहुत एहतियात के साथ करना पड़ता है, और हमारे प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान होते हैं वो भी बड़े ख्याल के साथ अपने सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। पहली तो चीज़ यह है कि हम पाक फ़ौज के हवाले से ना ही कोई ऐसी बात करते हैं, ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान की फ़ौज पर पूरा बिलीव है कि हमारी फ़ौज हर लिहाज से सुपर फ़ौज कहलाती है, और यकीनन अगर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं तो ऐसे हालात के अंदर भी पाकिस्तान की फ़ौज का ये एक राइट और हक बनता है कि अपने इस मुल्क को संभाले। लिहाजा उन्होंने जिस अंदाज से भी जो कुछ भी किया वो मुल्क की बेहतराई के लिए किया। अभी आप देखें कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक अरसे से इस चीज़ का ऐलान कर रखा था कि वो मार्च शुरू करेंगे, और एटलीस्ट एक टाइम आ गया और उन्होंने मार्च का आगाज़ कर दिया। मार्च के अंदर कितने लोग उनके साथ थे लिबर्टी मार्केट के अंदर, जब पहली दफ़ा वो चलने लगे तो वहाँ पे कितने लोगों की मौजूद वहाँ थे, और यूट्यूबर्स जो कुछ उनके थे कुछ दूसरे और मीडिया के लोगों की कितनी बड़ी तादाद ने उनको घेरा हुआ था और कितनी आवाम थी, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना बेड़ा लेकर रोज़ाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, और उसके बाद चुप करके आराम से रात को घर आगे सो जाते हैं। अवाम बेवकूफ़ पागलों की तरह अनपढ़ों की तरह इन लोगों के पीछे चली जाती है। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ और अवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप देखें कि आटा आपको नहीं मिल रहा, आपको कतार में लगकर आटा जो है वो दिया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब में उनकी हुकूमत मौजूद है, पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत आटे के लिए क्या कर पाई है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अगर हम खोलेंगे तो फिर बहुत से मामलात ख़राब होंगे। प्याज आपको 150 रुपये किलो मिल रहा है और आपको टमाटर 250 रुपये किलो मिल रहा है। चौधरी परवेज लाई साहब जो कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं, लेकिन ज़ाहिरन तो वो कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन अंदरली साइड पर ऐसा नज़र आता है कि उनके हाथ पाँव जो हैं उनको बांधा गया है, और ज़खीरा अंदोज और जो दूसरे तमाम लोग हैं उनको खुली छुट्टी दे दी गई है कि तुम जो चाहते हो करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम हमारा ख्याल करो, तुम हमें बंदे दो, हमारे पीछे लोगों को भेजो। तो आप में मेरा सवाल इनसे ये है कि कोई भी सियासतदान ये बताए कि किस सियासतदान की फैमिली और उनके बच्चे जो हैं वो इमरान खान के जलसे या जुलूस के अंदर गए हैं। जाता कौन है? वही गरीब, और मरता कौन है? वही गरीब जिसके पास इल्म नहीं होता। मेरा ख्याल है इल्म वाला और समझदार आदमी जो है वो किसी के भी जलसे में जाना नहीं बेहतर समझता, क्योंकि हमने इन तमाम सियासी पार्टियों को टाइम दिया, वक्त दिया, और अब इनका रिज़ल्ट तो आपके सामने आ चुका है। अब आप और कौन सा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं कि जो ये आपको निकाल करके देंगे? अब इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो डिफरेंट किस्म की बयानात भी जो हैं वो ट्रक की ऊंचाई के ऊपर बैठकर दे रहे हैं। अभी जो मेरे पास जो हेडलाइंस हैं, पहले मैं उनके हवाले से बात करूँगा कि मार्शल्ला, वो कहते हैं कि मार्शल्ला लगाना है तो लगाएं, मुझे क्या डर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा दो नंबर आदमी है, 10 अरब हर जाने का नोटिस जो है वो भेजने के लिए जा रहा हूँ, ज़बरदस्ती चोरों की हमायत मत करें। फिर शहबाज शरीफ, तुमको नहीं, इनको पैगाम दे रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें ऊपर बिठाने का की इजाज़त दी।
आप ये देखें कि ये मतलब खान साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह आए थे, आपको कौन लाया था? आप कमाल करते हैं, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि क्या आप शुरू से ही आपका इतना बड़ा वोट बैंक था? आपने पार्टी ज़रूर बनाई थी लेकिन आप आए किस तरह हैं ये आपको खुद भी पता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मार्च जो है मेरा 10 से 8 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद में पहुँच जाएगा। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो लीक हुई हैं, जैसे कि अमीनला गड्डापुर हैं उनकी एक वीडियो लीक हुई है किसी जगह पर जहाँ पर वो असला ले जाने की बात कर रहे हैं। फिर एक केपी के वज़ीर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम असला जो है वो लेकर जाएंगे चाहे जो मर्ज़ी हो, अगर हम पर हमला हुआ तो हम यकीनन उसका जवाब देंगे। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जब इस तरह की धमकियाँ आ रही हों और इस तरह के मामला चल रहे हों तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी की तैयारी की जा रही है? और खाना जंगी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो इस खाना जंगी से बचने के लिए बेहतर यही है कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इन तब अपनी उस गयूर शरीफ आवाम को कि खुदा का नाम है आप लोग इनके पीछे मत जाएं, और यकीनन आप अपने भाइयों बहन भाइयों या रिश्तेदारों या अपने बच्चों की लाशें वहाँ से उठाकर लाएंगे। आप अभी देखें चंद रोज़ कबल हमारी एक रिपोर्टर सदफ नईम के साथ क्या हुआ, उनको वो शहीद हो गई। इसी तरह तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उनके पेरेंट्स का, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का नुकसान हुआ। तो इसी तरह अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना बेड़ा आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अब गुजरांवाला तक वो तकरीबन पहुंचे हैं और गुजरांवाला से वो कहते हैं कि जी हमें 8 से 10 दिन मजीद लगेंगे वहाँ पहुँचने में। अब हम आते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साहब की तरफ कि उन्होंने 1800 अरब किसान के पैकेज का ऐलान कर दिया। उदयी इलाकों में नौजवानों को 50 अरब के कर्जे दिए जाएंगे और एक खाद की बोरी है उस पे 2500 रुपये की छूट भी दी जाएगी। और रूस से जो 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी गई है उसमें वो गंदम 15 नवंबर से 15 जनवरी तक इस मुल्क के अंदर लैंड कर जाएगी, यानी आपको मिल जाएगी। अब इमरान खान के जलसे की बात करें तो इमरान खान साहब के जलसे के अंदर लाहौर से गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 गाड़ी होती है और 4000 से ज़्यादा लोग उसमें होते नहीं हैं। और वो एक जलसा सा जलसू बनाकर वहाँ पर मीडिया को इकट्ठा करके एक बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर वो आगे चल पड़ते हैं। फिर आगे जाके उनको ख्याल आता है कि अब यहाँ मैं थक गया हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। तो वो अपनी एक बहुत बड़े स्क्वाड के साथ जो है वो वापस हो जाते हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हमारे साथियों को भी मार कुटाई की, मारा पीटा गया और उनके कैमरे तोड़े गए। हालांकि पंजाब हुकूमत इनकी अपनी हुकूमत है, अब ये इल्ज़ाम मरकज़ पे लगा रहे हैं, मरकज़ का वहाँ क्या ताल्लुक है? और लेकिन उसके बाद फिर देखें इन्होंने आखिर किया क्या कि एक SHO मुअत्तल कर दिया, उसके साथ 3-4 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। लेकिन उन्होंने जो नुकसान और तूफ़ान बदतमीज़ी उन लोगों के लिए जो आपकी कवरेज के लिए आए हुए थे, अपनी जान को जोखों में डाल के कवरेज के लिए आए, कि आपने उनको बुरी तरीके के साथ ज़दोकोब किया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनसे जो है वो कोई अच्छी शुनीद नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद आप खान साहब पहले आप थोड़ा ये बताइएगा कि आपने सैलाब के दिनों में या सैलाब के इलाकों में कितने दौरे किए और वहाँ से जो फ़ंड आपने आप कहते हैं 20 अरब रुपये जमा किया, तो वो बताइए वो आपने कहाँ लगाया है, वो इन कंपेनों में लगाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आपने इलेक्शन के लिए जो KPK से आपको तकरीबन कोई 22,000 की गिलगित बस्तिस्तान से कश्मीर से 5,000 लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और पिंडी पहुंचकर आप 30-40 हज़ार लोगों का एक मजमा लेकर वहाँ पे चढ़ाई कर देंगे। और उसके बाद फिर आपके जो अमीन गंडापुर हैं उनकी वीडियो लीक हुई, फिर KPK वज़ीर का जो बयान है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ दफा करेंगे, ये इलाने बगावत है, रियासत के ख़िलाफ़ है ये बात। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हैं ये जाहिर कर रही हैं, ये बता रही हैं कि आप एक बहुत बड़े जो है वो मामले को मुल्क की मामलात को बिगाड़ने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि मुझे जो है वो मैं यहाँ पर सिर्फ आ रहा हूँ हकीकी आज़ादी के लिए और इलेक्शन की तारीख जल्द देने। कौन सी हकीकी आज़ादी आप चाह रहे हैं? अब मेरी समझ से बाहर है कि हकीकी आज़ादी तो आज़ादी तो हमें 1947 से मिल चुकी थी। अब हाँ, एक और आज़ादी ज़रूर मिलेगी आपको जब इमरान खान साहब अपना मिशन पूरा कर लेंगे और यहाँ पर कोई दूसरा
जो मुल्क है वो काबिज हो जाएगा, और उसके बाद फिर कई सालों और वरों के बाद जाके फिर हमें एक नई आज़ादी मिलेगी, जिस आज़ादी का इमरान खान साहब नाम ले रहे हैं। तो आप खुदा का नाम है, कुछ मुल्क कौम अवाम का सोचें और मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करें। आपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अदालती लोगों के ख़िलाफ़ भी आपके बयान आते रहे और बहुत सारी चीज़ें आती रहीं। एक साइड पे आपको जब कहा जाता है कि अब आप देखें, आप डायरेक्ट फ़ौज को भी इन्वॉल्व बीच में करें, फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं। और DGPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो इजहार किया, जो बात की, वो उन्होंने एक बड़ी मजबूरी के आलम में उनको ये करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि आपने जिस अंदाज के साथ सरकारी और एजेंसियों पर और इदारों पर इल्ज़ाम लगाए थे, उन इल्ज़ाम को डिफेंड करना उनका फ़र्ज़ बनता था, सो उन्होंने मजबूर होके उसको डिफेंड किया। और जब उसको डिफेंड किया तो फिर उसमें जो थी वो हकीकत वो खुलकर सामने आ गई कि कौन छुप छुप कर जाकर जो है अफवाज के लोगों को मिलता रहा, और उनसे कौन कौन से ऐसे गलत काम जो है वो उन करवाने के लिए उनको कहा गया। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिन पर हमारा आज का प्रोग्राम है। और हमारे आप ये कहते रहे उनको कि माशाल्लाह लगा दें, मुझे डर नहीं। शहबाज़ गिल और आज़म सवाती पर तशद्दुद के दौरान कहा जा रहा था कि बताओ इमरान खान के साथ ऐसा हो रहा है। अब ये इस बात में किस हद तक हकीकत मौजूद है कि शहबाज़ गिल और आज़म सवाती के ऊपर जो है वो वाकई में कोई तशद्दुद हुआ है, और अगर तशद्दुद हुआ है तो उसका कोई किसी किस्म का कोई रिजल्ट कोई चीज़ कोई सामने आई ही नहीं। इसी तरह आज़म सवाती साहब जो हैं उन्होंने भी ये बात की। फिर ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे हमारे बड़े एक साथी अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको कीनिया में पिछले चंद रोज़ कबल जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उसमें भी जो है वो कुछ खबरें आ रही हैं कि खुर्रम बकार की जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं कि उनको जब गोली लगी तो उन्होंने अपने भाई को फौरी तौर पे फ़ोन करके कहा कि इनको गोली लग गई है, और 22 किलोमीटर दूर जो फार्म हाउस है वहाँ पर वो गाड़ी लेकर मैंने भगाई। और अभी फ़िलहाल तो ये मतलब तफ्तीश जो है ना ये चल रही है। ये खुर्रम की जो जो उनके साथ थे ये उनकी स्टेटमेंट है वहाँ से जो पता लगा है। और यानी अरशद शरीफ के दोस्त ने बताया कि इसको गाड़ी से उतार कर गोलियाँ मारी गईं। ये किसी दोस्त ने उनके इंकशाफ किया कि बाद में उनको उनकी नशस्त पर बिठा कर सीट बेल्ट बांधी गई, और फिर तस्वीर बनाकर कहा गया कि पुलिस ने गोलियां मारी हैं। और फिर दूसरी जानब फैसल वाडा जो है उनका बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। उस बयान के अंदर फैसल वाडा क्या कहते हैं वो सारी कौम ने सुन लिया है। अभी अभी फैसल वाडा की ज़बान जो है वो बंद है, अभी बहुत कुछ उगलना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। दूसरी जानब जो है गवर्नमेंट की एक टीम जो है वो चली गई है, वो भी जाकर यकीनन उसके ऊपर कुछ ना कुछ तफ्तीश कर रही है, और उसके जो ताने बाने जो हैं वो किसके साथ कहाँ जाकर मिलते हैं। उसमें एक मारूफ चैनल है उनके CEO का नाम भी आ रहा है। तो हमें मुस्तकबिल में भी देखना है कि अरशद शरीफ का जो केस है क्या उसको भी वाकई सही इंसाफ मिल सकेगा, या फाइल पर फाइल की तरह वो फाइल भी दब जाएगी। तो नाज़रीन इसके साथ अब चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की जाने, प्रोग्राम देखते रहेगा तजिया। हमारे इस प्रोग्राम में दोबारा फिर आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब MPA हैं, और इनका जो हल्का है वो PP 251 भावलपुर तहसील अहमदपुर ईस्ट से है। आपका ताल्लुक पंजाब असेंबली PMLN के साथ है। खालिद साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। खालिद साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ये जिस तरीके के साथ पहले धमकियां देते रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा जत्था लेकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ूंगा और मैं
वहाँ जाकर पड़ाव डालूंगा। और आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर इनक्लेव एरिया है जो कि इंतहाई हसास एरिया कहलाया जाता है, उसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने इनकी धमकियों के एवज़ बहुत ज़्यादा इंतजाम भी कर रखे हैं। और अभी एक अफसोसनाक खबर भी आपको पता लगी होगी कि हमारी एक सहाफ़ी खातून, जिसको आपने खुद भी, उसने भी आपको भी इंटरव्यू किया होगा, सदफ नईम, आप जानते होंगे, आपको नज़र भी कई दफ़ा आई होंगी, वो इनके कंटेनर से गिरकर शहीद हो गई थी परसों। तो अब क्या आप क्या देख रहे हैं कि इनका जो कंटेनर का जो मार्च है, क्या ये खून की बलियां लेता जाएगा? इससे पहले फैसल वाडा पहले ही इंकशाफ कर चुके हैं, वो खून की बलि तो जानी चाहिए थी इनके अपने किसी बंदे की, वो चली गई हमारे सहाफ़ी की। लेकिन बहरहाल, आप कैसा देखते हैं कि ये जलसे जुलूस जो आगे लेकर जा रहे हैं, क्या ये इसमें किस हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और काजी साहब का कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया आपसे बातें करने का। तो जी, सबसे और इसके बाद मैं आपसे इजहार ताज़ियत करता हूँ और तमाम उनके खानदान वालों से जो हमारी मोहतरमा शहीद हुई है इस पाकिस्तान कौमी कौम की तर्जमानी करते हुए, क्योंकि सहाफत में ये बहुत बड़ा सुतून है और इस सतून में पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान की तमीर तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, और वो शहीद बीबी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपके आपके सवाल का जवाब देते हुए कि खान साहब का ये कारवां पहले वो तड़ियां लगा रहा था या वो धमकियां दे रहा था, अब माफिया मांगने पे, खुदा के वास्ते देने पे, तो ये पूरे दुनिया का, पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया का मीडिया इस पे फोकस कर रहा है शुरू से। और आप जानते हैं कि वो उसने अपना नाम भी यू टर्न रखा हुआ है और उसकी किसी बात पे यकीन करना, यानी इसका मतलब है कि हम लोग कोई सियासी सूझबूझ या पाकिस्तानी कौम कोई इस पे अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं लाती कि वो जो कहेगा वो हर बात झूठी कहता है, और इया का नाबद व इया का नास्तीन का वो फिकरा बोल के उस पे ना चलना उसकी आदत है और वतीरा है, और ये ऐसी दहशतगर्दी इनके जिम्मे लगाई है बैन अवी साजिश के तहत, ताकि मुल्क के अंदर इंतशार, बल्कि इसका नाम इमरान खान की बजाय इंतशार खान होना चाहिए। और जब भी पाकिस्तान फलने फूलने लगता है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब तरक्की की तरफ जा रहा था और पाकिस्तान फल फूल रहा था और जमहूरियत सही माने में काम कर रही थी और जमहूरी हुकूमत कायम थी, तो ये हमारे दोस्त मुल्क चाइना के सरबराह हमारे पास तशरीफ ला रहे थे, तो इनको चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट आई और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि आप धरना ना दें। उस वक्त ये पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए इस्लामाबाद गया था, और आज जो पाकिस्तान के अंदर जो इसने अंदर इस्तेहकाम पैदा किया और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ ये शख्स देख नहीं सकता और इसकी टीम नहीं देख सकती, तो उस पे जो है वो दोबारा कारबंद हुआ कि पाकिस्तान जो इन माशी हालात में चला गया था, कि पाकिस्तान का आप खुद बेहतर जानते हैं और पूरी दुनिया का बाशऊर लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आप किस तरफ जा रहा है, और आज से इसकी हुकूमत जब खत्म हुई तो उस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। अब इन दुश्मनों को हमारी तरक्की, हमारी स्टेबिलिटी या कोई हमारी जो है वो इस्तेकाम मुल्क का, हमारे मुल्क के इदारों का इस्तेकाम इन इन दहशतगर्द बैन मुकामी साजिशों के जो इसके पीछे डोरे हिलाने वाले हैं उनको ये पसंद नहीं है, और इस लिहाज से ये कारवां लेके जा रहा है। अच्छा खाली साहब, और एक हम एक खाली साहब, देखेंगे खाली साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल करम से इसको नाकाम और नामुराद भेजेगा वापस, बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु के नारे पे बना है और इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत अल्लाह पाक खुद फरमाएंगे। खाली साहब, एक 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 सवाल ये है कि आप मुझे बताइएगा कि इसके पीछे ऐसे कौन से लोग हैं जो इसकी डुगडुगी बजाने पर इसके पीछे जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि महंगाई जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, तो ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये ले जाते हैं वहां पर? आप मुझसे बेहतर जानते हैं और पूरी दुनिया का मीडिया जानता है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके जो अजायम हैं उनके अजायम ये पूरे हो रहे हैं। अब ये बंदा बात समझ तो है नहीं,
इसके अंदर अकल और शऊर है नहीं, सियासी तजर्बा इसका है नहीं, और ये पाकिस्तान की खातिर कोई ऐसा जज्बा रखता नहीं है कि ये अब कौम के बच्चों, उन बच्चों को शहीद कराने के लिए या उनको मरवाने के लिए इसकी टीम ने पूरा हौसला लिया हुआ है, और अपने बेटों को इसने बाहर बिठाया हुआ है कि मैं अब क्यादत करने के लिए इसके बेटे आ गए आते थे, कोई तकलीफ होती, अब कौम के बेटों को इसने असला थमाया है। आप बैनमुकामी मीडिया में आपने देखा होगा वहां पे क्या हमारी जगह सही होगी जब इनके वफाकी वजीर या इनके सूबाई वजीर वो लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं कि असला लेके आप आना है, बंदे लेके आना है और खून खराबा करना बिल्कुल, है बिल्कुल, आप बिल्कुल। आप सोचे कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए जा रहा है, जमहूरियत के लिए जा रहा है, या वो जो इसका बयाना था कि मैं मुल्क कौम के लिए कुर्बानी देने आया हूँ, मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, क्या वो अपनी कुर्सी और इकदार और ताकत की खातिर नहीं लड़ने जा रहा? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और दूसरी दूसरी चीज़ ये है खालिद सर, इनके ऊपर केसेस अभी जो बेसिक जो केस है वो तोशाखाना केस है, उससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे और ये उसको मानने को तैयार नहीं है। एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने इनको घड़ी तोहफा में दी और इन्होंने वो घड़ी बाहर बेचकर पैसे जेब में रख लिए। ये किस मुल्क की ये कहाँ से कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ का इंसाफ करूँगा और फलां का इंसाफ करूँगा? नवाज शरीफ समेत आपने कितने ब्यूरोक्रेट और कितने सियासतदानों को आपने जेलों में रखा, 4 सालों में आपने क्या किया? आप 1% की उनसे रिकवरी नहीं कर सके। फिर कहते हैं कि जी तफ्तीश पे अदालतों ने, अदालतें जब भी किसी का की जमानत लेती हैं तो वो उन कागजात की बुनियाद को, उस तफ्तीश की बुनियाद को मद्देनजर रख के लेके ले लेती हैं। और फिर पाक फौज जो है उनके जो चीफ हैं उनको कहा गया, इन्होंने कहा कि जी मार्च में आर्मी चीफ को ताजिया तौसी की पेशकश भी इन्होंने की, बाजवा साहब ने ठुकरा दी। फिर उसके बाद फसाद का ख़तरा हो तो चुप नहीं रह सकते। ये DGISPR ने अभी 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मजबूरन उनको ये अल्फाज कहने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि गैर आइनी काम करने से इनकार पर हम पर इल्ज़ाम दिए गए, आर्मी चीफ गद्दार, अगर कहते रहे हो तो फिर छुप कर क्यों मिलते रहे हो? अब ये वो तमाम चीजें सामने वाज़े होकर आ गई हैं, इसके बावजूद ये डटाई कर रहे हैं। वही मैंने गुजारिश की है कि इसकी जो है बयानिया मदीना की रियासत मैंने बनानी है। मदीना की रियासत में तो ऐसे अमीर और मोमिनीन नहीं थे जैसा ये है। अब सादिक और अमीन पहले बंदा होता है, ये कहता है कि पहले मैं सही माने में मुसलमान नहीं था, मैं ईमान अल्लाह पे नहीं रखता था। अब ऐसे बंदे को जब सादिक और अमीन ना हो तो आप कौम का सरबराह कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जब आपने देखा ये कौम का सरबराह बना, इसने पहले बनने से पहले क्या बातें की, अब जब बन गया तो 4.25 साल में इसने सिवाय महंगाई के, बेरोजगारी के और ऐसे नारे लगाए कि मैं मकान बना दूंगा और लोगों को घर दूंगा और लोगों को नौकरियां दूंगा, नौजवान बच्चों को वरगलाया। अब ना नौकरियां मिली, ना मकान मिले, ना सस्ता इंसाफ मिला, ना गरीब आदमी को महंगाई से जान छूटी। अब एक फलता फुलता पाकिस्तान जिसमें किसी चीज की लोड शेडिंग नहीं थी मियां नवाज शरीफ के दौर में, और इसके दौर में वही जो सबका रिवायत थी महंगाई की वही आई, और लोड शेडिंग गैस की और सुई गैस की और बिजली की लेने लगी, और इस तरह आप देखे कि जिम्मेदारों की लेने लगी खाद लेने के लिए। इसने आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान हुकूमत में जब थी तो उस वक्त मोटरवे बन रहे थे, पाकिस्तान एक तरक्की तरफ जा रहा था, वहां पे सड़कें बन रही थी, वहां पे ट्रेन के स्टेशन बन रहे थे, नए बन रहे थे, और आप देखें कि दहशतगर्दी के ऊपर हमारे इदारों ने कैसे काबू पाया। एक लीडर के वजन होता है और एक कैद जो वजीर आजम मुल्क का होता है वो सरबराह अपने इदारों को जो नजरियाती तौर पे जो ऐसी पुलिसें बना के देता है, खारजा पुलिस हमारी नाकाम हुई, मैशी लिहाज से हम नाकाम हुए, और जो ISI हमारे बैन अल-अक़वामी दुनिया ने माना कि तमाम एजेंसियां हर मुल्क की रा मुसाद ISI CIA और रशिया की एजेंसी तमाम से मुकाबले में पाकिस्तान की एजेंसी सबसे अफजल रही। देखिए पाक फौज का हम वैसे ही बड़ा एहतराम करते हैं खालिद साहब, पाकिस्तान फौज ने ऐसी लाजवाब कुर्बानियां दी और हजारों की तादाद में हमारे नौजवान शहीद हुए और हमारी सरहदें महफूज की और पाकिस्तान को महफूज किया। आप देखें जब मियां नवाज शरीफ के दौर में उससे पहले कैसे दहशतगर्दी मुल्क में कोई बंदा अमन से नहीं रह सकता था,
हमारी इदारे जो थे हमारे दफातर महफूज नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाशी के दौर में ये फौज ने और हमारे इदारों ने कामयाबी हासिल की। अब ये बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये चीज पसंद नहीं है कि हमारी ISI और हमारे फौजी सरबराह जो है जो पाकिस्तान की खातिर अपनी जाने दे रहे हैं और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तकम बनाने के लिए, और एटमी पाकिस्तान हमने बनाया, हमने धमाके किए और उस चीज को वो देखना ही चाहते। इसलिए इस ना समझ और ना तजर्बाकार आदमी को इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका था और पाकिस्तान की मैशियत ये इसको 4 साल कारगर्दगी बताने के लिए कोई एक एक चीज नहीं है। और सिवाय ये कहता है कि मैं बिल्कुल पास हूँ, पाकिस्तान की क्या हैसियत रही, जिस मुल्क ने हमें तोहफा दिया वही घड़ी उनके पास बिकने के लिए चली गई। जी बिल्कुल, उनके पास बिकने के लिए, बड़ी हैरत की ये बात कहता है है कि मेरे करोड़ों अरबों मेरे पास थे, मैं जो है पाकिस्तान के ऊपर खर्च करता रहा हूँ। और क्या खर्च करते रहो, शुरू से तुम चंदा मांग मांग के उसके उसमें खुद बुद की एक हलीमा बाजी तैयार की और उस एक गोभी तैयार की, यही पाकिस्तान को निया बना के दिया है। नई गोभी आई और नई हलीमा खा आई और एक मिस पिंकी आई जो पाकिस्तान को जादू से चलाती है छड़ी से, जैसे सबका द्वार में हम बचपन में कहानियां सुनते थे कि जादू की छड़ी से ठीक हो जाता है मामला, ये उस जहन का मालिक है। अब मैं इस पे आपको, आप तो बेहतर जानते हैं, पूरी दुनिया का अच्छा ये बताइएगा, अभी अभी मशहूर लोग जानते हैं, अभी ये बताइएगा नौजवान को बिगाड़ने के इसने दिया क्या है, अब कौम की बेटियों बेटियों और बेटियों को कैसी तरबिया दे रहा है। अब वो अपने वालदैन की या अपने असाज़ा की या अपने लीडरान की वो इज्जत वो एहतराम पाकिस्तानी कल्चर में जो था, जो हमारा लिबास था, जो हमारे रहन सहन थे, उसको चेंज कर रहे पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहा है। आप ये इदारों के खिलाफ बोले या फौज के खिलाफ बोले या ये कहता है कि मैंने चोरों को नहीं छोड़ना, तो 4.5 साल में आपने क्या किया, चोरों से क्या वसूल किया? अच्छा खालिद साहब ये बताइएगा, अभी अभी ये बताइएगा कि वजीर आजम ये खुद चोर निकला। खालिद साहब वजीर आजम वजीर आम शहबाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली आज कल एक ऐलान किया जिसमें 1800 अरब का जो एक किसान पैकेज का ऐलान किया, वो एक बहुत अच्छा ऐलान है। और इसके अलावा फिर उन्होंने 50,000 नौजवानों को, जो नौजवानों दही इलाकों के नौजवानों को 50 अरब के कर्जे देने का भी ऐलान किया, फिर 2500 रुपये जो बोरी खाद की है वो कम उसको किया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं इसके अलावा, आप अब थोड़ी सी तवज्जो, अगर मुसीबत यह है कि पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, अगर पंजाब में आपकी हुकूमत होती तो आज यहाँ पर महंगाई पर यकीनन कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लिया गया होता। जैसा कि आप देखें 150 रुपये प्याज बिक रहा है, 250 रुपये टमाटर बिक रहा है, चौधरी परवेज लाई साहब को पता ही नहीं है, और असल चौधरी परवेज लाई एक अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर आदमी है, लेकिन वो मजबूर है, उसके हाथ बंध चुके हुए हैं, वो इन लोगों की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। अब अगर वो चाहें, और वो तो आपका क्या ख्याल है कि ये जितना भी माफिया इस वक्त काम कर रहा है, इस माफिया पर हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अब मुस्तकबिल के अंदर क्या पंजाब में आपकी गवर्नमेंट आने की तवक्को है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। जी मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। देखें जी, एक एक अपना मकूला मशहूर है कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे कोई औरत का हाथ होता है। जी जी, मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी का राज उसका एक भाई था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो आज मुल्क का वजीर आजम है। अब देखें मियां नवाज शरीफ के वीएन को और मियां नवाज शरीफ की काल को या मियां नवाज शरीफ के ख्वाब को पूरा करने के लिए 24 घंटे में 20 घंटे जागने वाला मियां शहबाज शरीफ आपके मुल्क का वजीर आजम बना, और वो ऐसा भाई है और ऐसा लीडर है और ऐसा कौम के लिए एक तोहफा है जो दिन रात एक करके बिजली की तरह उसने मंसूबे मुकम्मल किए, और इंशाल्लाह अभी भी वो पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की खातिर रात दिन एक करके उसने एक लम्हा जहाज में हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, दफ्तर में हो, और मियां शहबाज शरीफ एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए, और खुशकिस्मती है मियां नवाज शरीफ की और मियां शहबाज शरीफ की भी खुशकिस्मती है। आप जो दूसरा आपका सवाल है कि मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की खुशकिस्मती में उसका लीडर मियां नवाज शरीफ था,
और चौधरी परवेज जी का लीडर जो है ना अहल ना लायक ना ना तजर्बेकार, और इमरान खान और सोने पे सुहागा और मियां परवेज अली जो है वो उसकी आप बात करें तो उसको पहले चौधरी परवेज अली, पहले वाला चौधरी परवेज अली नहीं रहा, अब उसकी जो है वो बागडोर किसी और के हाथ में है। अब आपने पूछा कि पंजाब में इतना हालात खराब है और पंजाब की माफिया जो है पाकिस्तान को लूट रही है और कोई चीज सही मिल नहीं रही, उसका कंट्रोल नहीं है, तो फिर जैसे हुक्मरान होंगे इमरान खान जैसे जो उसको हिदायत दे रहे हैं, तो और जो इमरान खान के बाप हैं वो उसको हिदायत जो दे रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही मचरे दे रहे हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको हम जरूर मौका देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब अभी हमारे इस प्रोग्राम में जिस अंदाज के साथ गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने यही बताया, पहले उनका भी सवाल ये कहना था कि नौजवान नस्ल को ख़राब करना और उनको बेरारवी की तरफ ले जाना और 4 सालों के अंदर इस कौम और मुल्क के अंदर बेरारवी बेपर्दगी समेत बहुत से ऐसे मामलात को ख़राब किया गया, इस बात में कोई हकीकत मौजूद नहीं, इसके तो हम साफ़ी भी गवाह हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो ये लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग मार्च कतई तौर पर ना ही कोई किसी इलेक्शन की कोई तारीख के लिए गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करने का है और ना ही गवर्नमेंट इनसे अंडर प्रेशर होगी। गवर्नमेंट कह चुकी है कि अगर इन्होंने वहाँ पर आकर रास्ते में कोई ऐसा काम किया कि जिससे जो कानून के खिलाफ होगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा, उस रास्ता बनाने में यकीनन जिनके पास जो असलाह मौजूद है, जो KPCC से लोग आ रहे हैं उनमें, देखें ये इस वक्त इतना ख़तरनाक काम है, मैं इसलिए भी MP साहब भी यही फरमा रहे थे कि लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों और अपने जो लवाहिकीन हैं उनको इनके जलसों में मत जाने दें, कोई भी ऐसा वाकया हो सकता है, कोई दुश्मन वहाँ पर आके बम ब्लास्ट कर सकता है, कोई कुछ हो सकता है, तो उसके अंदर हलाकतें हो सकती हैं, तो आप काइंडली उससे अपने आप को बिल्कुल महफूज रखें। अब रहा इमरान खान साहब के हवाले से, मैं थोड़ा सा मुख्तरन बताता जाऊँ कि इमरान खान साहब के दौर में वाकई मिस पिंकी और उनकी जो एक दोस्त थी उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने माल लूटा, खावर मानिका के दोनों बेटों और रिश्तेदारों ने भी खूब माल लूटा। खावर मानिका के हवाले से ये जाना जाता है कि उनके पास 16 मुरबा और 400 एकड़ ज़मीन उनकी विरासत में थी। अब उनसे पूछे कि वो खरबों के जो मालिक बन गए हैं वो कहाँ से आए, और बुशरा बीबी की बेटे बेटियाँ जो हैं वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ कहाँ से लेकर आ गए, तो ये और खावर मानिका जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो बुशरा साहबा ने, बुशरा की जो बेटी थी, इनकी अपनी बेटी थी सुमेरा, उसकी कोई सहेली थी दोस्तारा, उसकी जावेद साहब की बेटी थी, उनके साथ उसने शादी कर ली। और दूसरी जानब खावर मानिका साहब ने एक और काम बड़ा किया कि चौधरी अब्दुल गफूर साहब एक सबका MP MLA भी रह चुके हैं, मेरा ख्याल है ये MPA थे पंजाब असम्बली के, मैं उनको अच्छी तरह जानता भी हूँ, उस वक्त मैंने सियासत स्टार्ट की थी, उनकी 400 एकड़ ज़मीन जो है उन पर जाली कागजात के ज़रिए कब्ज़ा भी कर लिया। तो ये वो तमाम मामलात हैं और इनके ऊपर से असल में पर्दा नहीं उठाया जा रहा, फिर अगर कोई सहाफ़ी इन चीज़ों पर से पर्दा उठाता है तो वो सहाफ़ी जो है उसको फिर थ्रेट्स आती हैं या उसको जो है वो इजा पहुँचाया जाता है या मर्डर कर दिया जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा थी। तो आखिर में मैं अपने इन तमाम जो मेरे साथी प्रोग्राम मेरे दोस्त जितने हमारे व्यूवर्स प्रोग्राम देख रहे थे उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि प्रोग्राम जैसे ही आप देखें और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स इस पर दें और जो हमारा एक लाइक का एक इसके अंदर एक पॉइंट है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ एक नई सोच के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अज़हर काज़मी को इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।